अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में फरमाया, कुरान ने तुम्हें और मुझे बता दिया है लोगों, वो तुम भी आने वाला है, मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने रखो। अल्लाह का कुरान कहता है, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुफ्ती साजिदुर रहमान की मेहनतों को देखकर आज जलसे में बैठकर हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहना, इसलिए ये हाथ आज मेराज की मुकद्दस रात में गवाह बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, जब मैदान महशर में तुम और हम अल्लाह के सामने होंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी, जब ये हाथ गवाही हो तो इस हाल में गवाही हो कि तुम्हारे मेरे हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लमी ज़लला एज़ाल, ऐ मौला, इसने जिंदगी में जो भी किया, लेकिन जब भी तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुना, इसने हाथों को उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया है। आज की रात इन हाथों को भी गवाह बनाओ, अपने पूरे वजूद को गवाह बनाओ कि हम नबी के जलसे में गवाही दे, हमारे हाथ अल्लाह के हुजूर की, इन्होंने बैठ कर जलसा सुना था तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहके अल्लाह की पाकी का ऐलान किया था। जिक्र सुनने आए हो, किसका जिक्र सुनने आए हो? किसी दुनियादार के जिक्र की महफिल नहीं है आज का ये जलसा, आज की ये बज़्म। मुफ्ती साजिदुर रहमान, इनके आबाद में जो जलसा सजाया, मेहनतें की किस लिए? इसलिए मेहनतें की कि दुनियादार का जलसा नहीं, जिक्र किसी दुनियादार का नहीं हो रहा है, जिक्र अहमद मुख्तार का हो रहा है, ताजदारे मदीना का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र है लोगो? उस नबी का जिक्र है जिसने लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कहीं पे अल्लाह ने मुजम्मिल कहा है आका को, कहीं पे अल्लाह ने मुदस्सिर कहा है आका को, कहीं पे यासीन का लकब दिया, कहीं पे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कहीं पे अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कैसा रसूल अल्लाह ने अता किया, कितनी इज्जत वाला रसूल दिया, कितनी अज़मत वाला रसूल दिया। जरा देखो मदीने के ताजदार को, मेराज की रात है, ये मेराज की रात है, सुनो तो जरा गौर से। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े चली में कब्र पैगंबर है, जब को वो दूर पे गए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बी अरनी अंजिर इलैक, अर्ज करने लगे मौला जलवा दिखा दे, अर्ज करने लगे मौला दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा लंतरानी देख नहीं सकते। अल्लाह ने तो कुरान में भी ऐलान कर दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया, वो आंखें मैंने बनाई नहीं, वो आंखें मैंने किसी को दी नहीं है जो मुझे देख सके, मेरे चलने को देख सके, मेरा दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मौला मैं तो तेरा नबी हूँ, ऐ परवरदिगार मैं तो तेरा रसूल हूँ, ऐ परवरदिगार मैं तो तेरा पैगंबर हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत बता दी है, या अल्लाह तूने मुझे रिसालत से नवाजा है, ऐ रब तेरे लिए ज़लीला ए ज़ाल, तूने मुझे नबूवत और रिसालत में ताज बता दिया, तूने मुझे मुझे मौला कलीम बनाया है, कलीमुल्लाह की किताब से नवाजा है। या अल्लाह मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है? ऐ परवरदिगार अगर मैं नजारा नहीं कर सकता, मेरी आंखें नहीं देख सकती तो कौन देख सकता है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम नहीं देख सकते, अगर वो आंखें मौजूद है, अगर वो आंखें मैंने दी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को दी है। अल्लाह वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरिक़े आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ में आ रही है आपको? अरे पीछे वालों समझ में आ रही है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
इतना बड़ा मजमा है, आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे ना मिलके तो कितनी आवाज गूंज जाएगी, ये पूरा इलाका तुम्हारी आवाज को महसूस कर लेगा, सुन लेगा। अल्लाह के फरिश्ते भी जो यहाँ मौजूद है ना, वो सुन के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला हमने तेरे बंदों को देखा है, तेरे बंदे तेरा जिक्र, तेरे हबीब का जिक्र सुन के मचल मचल के झूम झूम के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बहुत कामयाब जलसा है, ये तमाम उलमा बैठे हैं, लायक एहतराम है। ये आपको बताते होंगे बारहा, मसाजिद के इमाम हैं, अइम्मा आपको मस्जिदों में हर जुमे को बताते होंगे मुस्तफा की अजमत क्या है। लेकिन सुनो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदारे बरेली ने जब हुजूर का मकाम बयान किया, हुजूर की इज्जतों का जिक्र किया, तो क्या खूब अंदाज में किया। अब जरा कलाम रजा सुनो और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, अरे कुरान पे ईमान बताता है इन्हे, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। कौन है मुस्तफा? अल्लाह ने मेराज कराई। अब सुने जरा हुजूर की मेराज। अल्लाह परवरदिगार आलम रब्बुल अज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब मेराज का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया, सुभान अल्लज़ी असरा बि'अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब इस आये करीमा को जरा सामने रखो और फिर तवज्जो से सुनो। मेराज हुजूर की, ये मेराज की रात है, बड़ी पाकीज़ा रात है। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो ज़ात। अभी आपने शुरू में एक तकरीर सुनी थी, उन्होंने बयान किया था ना कि अल्लाह ने सुभान अल्लज़ी सुभान कह के बात को शुरू किया। बयान तो करनी है मेराज, मगर पहले कहा अल्लाह पाक है वो ज़ात, अपनी पाकी का ऐलान किस लिए? ऐ मेरे अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम वो खालिक अर्ज़ समा आलिमुल ग़ैब व शहादा हर राज का जानने वाला हर हाल से वाकिफ, और हम तो ये कहते हैं गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा वो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है